ఏది गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं। जैसा कि रात को डिसाइड हुआ था, भाई जो बैनीवाल था उसने तो अलार्म भी लगाया था 4:55 का, पर भाई वो तो उठा नहीं। और भाई इन कुत्तों ने ना सारी रात यही मचा रखी थी, तो भाई मेरे को नींद आती है शांति में, और इनका ऐसे चलता रहा मैं तो उठा पड़ा हूँ। मेरे ख्याल से 4:40 पर उठ गया था, मैंने विक्रम को उठाया तो वो तो नाट रहा कि 1 घंटा और सोन दे, तो बाकी को उठा के देखते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि तो निकलना है और ले का रास्ता अभी 6 घंटे का यहाँ से। मलिक भाई, ओ भाई उठ ले भाई, ये भी उठ लिए, उठ जल्दी चलते हैं। तो भाई नहा धो के सारे भाई रेडी हो गए हैं, अपना सारे गाड़ी वाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं। तो भाई अपनी अभी सुबह हो रहा था 4 डिग्री और अभी 6 डिग्री हो रहा है, तो देखते हैं गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट कैसे रिएक्ट करती है, फिर मलिक की गाड़ी का भी देखेंगे उसकी क्या। और तेरी भैंस की गियर में थी अभी अल्टो जाती। अपनी तो आराम से हो गई, अभी इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो भाई अब विक्रम भाई की गाड़ी का देखते हैं क्या सीन है। बढ़िया सीन है, नहीं मतलब स्टार्ट कर रहे हैं और भाई तो बाइक कर, चलो भाई बोल के बोले सेंटर का नाम एक बार, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। क्लच मांगेगी, क्लच मांगेगी, अरे ये वाली गाड़ी कैसी साया सी भर रही है भाई, ये चलो भाई ना हो गई भाई एक बार में, क्लच नहीं मांगती। नहीं भाई कह रहा है क्लच मांगेगी, नई गाड़ी है सारी क्लच मांगे। हाँ वैसे मैंने भी लगी ये नहीं मांगती कह रहे हैं, तो भाई मैंने ना इसकी दिक्कत लग रही थी, मन की थोड़ी दिक्कत नहीं होगी स्टार्ट होना, BS6 ना। हाँ BS6 बट हो गई भाई, BS6 में है वैसे दिक्कत, बट ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, कम इस चक्कर में हो गई एक बार में सर, बाकी थोड़े सांस से भूल रही है। हाँ भाई अहमद सैनी रोहतक, क्या कर रहे हो आज, बना रहे हो केक? अरे हुक्का पियो गए हैं, नोटी गंदी चीज है, हुक्का नहीं पीना चाहिए। अरे यहाँ वैसे ही ऑक्सीजन की कमी पाओगे आगे, कोई नहीं सिलेंडर ले लेंगे ऑक्सीजन का पर हुक्का जरूर पियेंगे। चल बढ़िया है भाई। सो गाइस अपना निकल चुके हैं हम कारगिल वाले रास्ते पे, कारगिल यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, वहाँ पे मेमोरियल वगैरह आपको दिखाएंगे और उसके बाद सीधा ले, तो 6 घंटे का यहाँ से रास्ता है ले का, और हम सुबह के 8:30 मतलब लगा लो 5 बजे उठने के बाद भी 8:30 निकले हैं सारे, और ब्रेकफास्ट भी हम कारगिल में ही करेंगे, पहले मेमोरियल फिर ब्रेकफास्ट और फिर सीधा ले। तो चलते हैं, और ये भाई देख लो हुक्के के बिना भाई, गुड मॉर्निंग। तो भाई ये भाई है ना हुक्के के बिना नहीं रह रहा, हुक्का चाहिए कह रहा हर जगह, कह रहा ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ कर लूंगा आर्मी बेस कैंप है, ऑक्सीजन ना हुई तो पर हुक्का चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चलो भाई तो मिलते हैं आगे। तो पार्क कर दिया अपनी गाड़ी और हम आ गए हैं वॉर मेमोरियल कारगिल, तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि जब यहाँ पे वॉर हुई थी और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था तो क्या क्या कैप्चर कर लिया था एरिया, और कैसे अपनी इंडियन आर्मी ने उसको दोबारा कब्जे में लिया। वो मैं सोचा अभी कितनी देर में स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने वाला है, होने वाला है, तो पहले मूवी देखते हैं। तो ये इनका मूवी हॉल है और ये अपना मूवी दिखाएंगे, अब हमें बताएंगे कि कैसे कैसे पाकिस्तान ने अटैक किया था और मतलब सब कुछ पूरा उसके बारे में। तो मूवी स्टार्ट होने वाली कितनी देर में हो जाएगी सर? 10 मिनट की है मूवी प्रॉपर। भाई वो कहाँ रह गए? तो भाई ये देखो कितनी मस्त बना रखी है पत्थरों से गन, बड़ी प्यारी लग रही है। तो ये सारे शहीद भाई जितने भी थे उन सब की मेमोरियल के लिए ये यहाँ पे उन सब के नाम है,
और उधर अभी जाने नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, तो यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है। तो गाइज़ अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मूवी देख के आए हैं कि यहाँ पे मूवी दिखाई है कि कैसे कैसे हुआ था, मतलब 2018 में मैं आया था तो प्रॉपर हमें मूवी में दिखाया गया था कि कौन सी पहाड़ी पर पाकिस्तान आर्मी ने पहले कब्जा करा था और कैसे कैसे था। इस बार थोड़ी मूवी चेंज हो गई है, इस बार सिर्फ मेन मेन हीरो और सबके नाम बताए हैं कि किसने प्लान कैसे एग्जीक्यूट करा था इंडियन आर्मी में जब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने हमला कर दिया था। तो पाकिस्तान क्या करना चाहती थी, जो श्रीनगर लेह हाईवे है तो उस हाईवे को अपने कब्जे पर लेना चाहती थी जिससे कश्मीर उनका हो जाए। तो उसके 1999 की ये बात है, तब हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने फिर बोल दिया था कि अब हम जवाब देंगे और फिर वॉर का ऐलान हुआ था। और 22 जनवरी को विजय दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे पहाड़ियाँ दिखा देते हैं आपको। तो इस पहाड़ी की मैं बात कर रहा था जो वो सबसे पहली चोटी है, सबसे ये वाली बर्फ़ वाली, उस चोटी को बोलते हैं टाइगर हिल। वहाँ पे आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया था और हाईवे तक भी मतलब पहुँचने वाली थी, उससे पहले वॉर का ऐलान हो चुका था। और उस पहाड़ी चोटी के साइड में है विक्रम बत्रा ने जहाँ पे अपना झंडा फहराया था अकेले जाकर, आर्मी मतलब प्रॉपर पीछे फायरिंग चल रही थी और उसने लाल झंडा फहराया था वहाँ जाकर, तो वो वाली पहाड़ी है। और अभी तो इतना बता नहीं रहे यहाँ पे आर्मी वाले, बट पहले जब मैं आया था तब इन्होंने बताया था कि जब हम जीत चुके थे वॉर, इंडिया जब वॉर जीत चुकी थी, तब इन्होंने क्या करा था पाकिस्तान आर्मी ने, जो डेड बॉडीज थी, डेड बॉडीज़ पे बम लगा दिए थे ताकि आर्मी अपने जवानों को लेने आए और उनसे उनका नुकसान हो। तो आर्मी ने बताया था उस टाइम पे कि बहुत नुकसान उस चीज़ से भी हुआ था जो वो बम छोड़ के गई थी बॉडी में। साले दल्ले, बैठ के फोटोग्राफी नहीं करना, खड़े रह के कर सकते हो। तो अभी ये सारा रास्ता बंद किया हुआ है, यहाँ से नीचे जाके जो गन्स दिख रही है वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के जो वेपन्स वगैरह थे, जो उन्होंने बम वगैरह फोड़े थे, तो बहुत सी चीज़ें थी देखने के लिए, बट वो अभी बंद की हुई है क्योंकि 11 तारीख को इनके कमांडर साहब आएंगे तो उसके लिए मेंटेनेंस चल रही है। जैसे कि सब देखो यहाँ काम वाम चल रहा है सब जगह, और उधर भी काम चल रहा है। तो 11 तारीख तक इन्होंने बोला है कि कुछ भी नहीं खोलेंगे, अभी सिर्फ आप ये एरिया विजिट कर सकते हो रोड वाला। तो यहाँ पे एंट्री फीस है पर पर्सन 50 रुपीज़, और मूवी हमने जो देखी है मूवी के है 100 रुपीज़ पर पर्सन, तो पहले मेरे ख्याल से कम था, अब ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया। पर एक चीज़ है भाई, कोई पैसे ले नहीं रहा, बॉक्स बना रखा है, बॉक्स में डालो, जब बदतमीज़ लोग आएंगे वो डालेंगे भी नहीं, और ऐसा होता भी होगा। तो वॉर मेमोरियल से निकलने के बाद अब हम मेन बाजार की तरफ जा रहे हैं कारगिल के, और लोकेशन देखो भाई कैसी है लोकेशन, मस्त। और यो देखो भाई कैसे बैठा हुआ है, पीठ के बिठा रखा हूं। यो ऐसे इसलिए बैठा है क्योंकि यो जबरदस्ती सनरूफ में तो निकलन की कह रहा था, मैंने कही रुक जा भाई नाश्ता कर लेंगे फिर चला जाइए सनरूफ में, था भाई इस तो ऐसे ही बैठा है। ओ बंदर करिएगा स्माइल। तो हमने यहाँ पे गाड़ी इसलिए रोकी है, एक मिनट लॉक ना हो जाए। तो भाई यहाँ गाड़ी इसलिए रोकी है कि भाव देखो, ऐसा कैड़ा भाव है ना, ये क्या बताऊं। फाइनली भाई खाना मिल रहा है, सुबह 5 बजे के उठ रखे हैं और 11 बज गए। चोमो भाई फाइनली खाना, इसने तो भाई खाना चाहिए ही ना, जो ना बोलता खाने की, कह रहा अभी भी आगे आगे देख लो। हाँ कारगिल तो आगे ही आगे ना, हम तो कारगिल को छोड़ दिया पीछे। भाई जो अंडे की तरह दिख रहा है, यहाँ की फेमस डिश बताई, रिश्ता रिश्ता करवा दूँ, करवा दे टेस्ट करके बता चल जल्दी।
जल्दी बता दे पहले, करी करी कर ले कोई ना। सुपर, चलो व्यू देख लो भाइयो, कितने प्यारा सीनरी, जैसे बादल और पहाड़ भी देखो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ से अपने रेतीले पहाड़ स्टार्ट हो गए लद्दाख के। अब यहाँ से पूरे मतलब ग्रीन पहाड़ तो मतलब ही नहीं है, अब आ जाए कहीं, अब सारे सूखे मिट्टी वाले पहाड़। अब दो तीन दिन यही चलेगा भाई, दो तीन दिन यही पहाड़ देखेंगे। अब हम जब बोर हो जाएंगे तब निकलेंगे यहाँ से। पॉइंट ऑन श्रीनगर ले रोड, श्रीनगर ले रोड का हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, जोजिला पास से भी ऊपर है। हाँ, तो ये झंडे वंडे भाई बहुत अच्छे लगते हैं ना मेरे को, ये पहाड़ों में झंडे ना अलग ही फील दे देते हैं। नहीं पहाड़ों में गाड़ी में लगवाओ एक अपनी। हाँ मैं सोच रहा हूँ अपना ले से लेते हैं एक भाई। ये जो अपने बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, हाँ, वो लोग लगाते हैं वो। ये मेरे को बता रहे थे कुछ टाइम आता है एक साल का, हाँ, उसमें जानबूझ के पूरा गांव वाले आपस में कंट्रीब्यूट करके और उसको पूरा चेंज करते हैं। ये पुराने नहीं होते, ये नए चेंज मार देते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि और इसमें मंत्र वंतर लिखे होते हैं ना इनके। हाँ, वैसे वो पढ़ने में तो अपने समझ नहीं आती। हाँ, मंत्र होता तो लिखे ही है, बाकी मैं लिख भी आ गया पीछे। अच्छा, तो भाई ढाई घंटे और दिखा रहा है यहाँ से, 124 किलोमीटर है, 5:45 तक हम पहुंचेंगे। क्या है भाई, क्या है, क्या दिक्कत है? मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। क्या है भाई, मसल के रख देंगे। हाँ, मसल के रख देंगे। क्या कह रहा है? मसल के रख देंगे। मसली है जरा बाहर, बाहर क्यों, अंदर आके दिखाओ, अंदर आके दिखाओ। नहीं मूसली है जो कुटेगा मेरे को, अंदर आके दिखाओ। लड़ाई हो गई भाई, अंदर आके दिखाओ ना। खोल तू भाई, भाई पागल हो रहे हो क्या? बाहर होना उतर के, एक्टिंग एक्टिंग में इतनी तेज मारते हैं तो मैं चाटा बना लो। हवा देखो भाई यार कितनी, सांस भी नहीं ली जा रही, तगड़ी हवा चल रही है भाई, तगड़ी हवा। तो हमसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा था, और जितने लोग हैं गाड़ी नंबर लिखवाया है, पूछा है कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और सर्टिफिकेट पूछी है। क्या पूछा भाई? गाड़ी में लेडीज तो नहीं है शायद, उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, पूछ रहे होंगे। हाँ, अच्छा, तो सेफ अपना जो भी है ये सब, अपना सर्टिफिकेट वगैरह कभी यहाँ ट्रैवल कर रहे हो तो लेके आओ, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारा फाइनल डोज का नहीं है, तो यहाँ पे RT-PCR होगा अभी के अभी, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अपना सर्टिफिकेट कैरी करो, फोन में सेव रखो, और यहाँ पे दिखाने के बाद फिर एक पर्ची देंगे, बस वो पर्ची दूसरे बैरिकेड पे दिखा के निकल जाओ। बदतमीजी मत करो भाई, फिर भी ये आ गया अपना मैग्नेटिक हिल, और धूप बहुत है, बहुत ज्यादा तगड़ी धूप, और वैसे तो इसमें कुछ भी दिक्कत है नहीं, मैग्नेटिक हिल में बकवास है, वो गाड़ी अपने आप जाती है, बहुत बड़ी बकवास। तो भाई यहाँ सब डिस्कशन चल रहा है, सब कह रहे हैं कि मिथ है, कोई मैग्नेटिक हिल बकवास है, और मेरा भी यही कहना था। बोटे लिटा लिटा दे इधर, लिटा ना भाई,
सीधी लेटा सीधी सीधी भाई मेरी तरफ मुंह करके। हाँ लेटा लेटा पानी का लेवल देखो ना भाई, स्लोप है यार उधर। देख आगे जा रखा है, पीछे से उठ रखा है, तो नीचे हो रखा है, सारा पानी आ गया भाई। क्लियर है भाई? भाई नहीं है, क्लियर है, देख लो। मैग्नेटिक हिल नाम देख लो, पानी उड़ा के देखना उसमें। एक बार पानी डालिए भाई रोड पे, हिल्स बोल सकते हैं इसको, नाम दे दिया है। पानी डालना थोड़ा सा, कौन सी तरफ जाते हैं उधर मेला ले ऊपर से ले ले लेमन डालूंगा ना सर। अरे सुसु कर लो सीधा चला के भाई, सुसु कर लेते यार क्या पानी। ये कोई नजर की बात, ये तो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। तो जाते ना वो रास्ता बना होगा ना, जाते उसी साइड रहा है। हाँ रास्ता बना होगा, भाई सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए फिर भी गाड़ी ले आया भाई है। भैया डैम की दवाई नहीं है, पीछे करो चलो लाना चेतन भाई। क्या वो वाली गाड़ी ले लो भाई, ब्रेक छोड़ दिया, स्पीड पकड़ेगी सर, बाइक तो नहीं जा रही लगा भी। एक काम करो आप, यही चीज वहां जाके करो, वहां से और स्पीड पकड़। भाई ये मलिक और बैनीवाल तो मानना रहे, ये कह रहे कि है मैग्नेटिक। मेरा कहना है मैग्नेटिक ना है, सब खुद बनाने की स्कीम है भाई। नॉर्मल सी बात है यार, ढलानी ने पता ना क्यों ना पता लग रही है, ये सिर्फ ये एरिया देख रहे हैं भाई। प्रॉपर देखो ना रोड ऐसी है, और ये सारे चूते सारे लोग कर रहे हैं चूते बनते। भाई जिंदगी में कुछ करो मत करो, यो मत करो कभी। मैं पहले बता रहा हूँ, जो भाई है ना मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर और फॉलोअर है, कभी मत करना भाई। क्यों चमू? बिल्कुल सही भाई। अब तो यहाँ तक लोकल बंदे ने भी बता दी, फिर किसने मेरा भाई ना भाई, ये अब भी नहीं मान रहे। बताओ देख लो किसी भी तरीके से आज शर्त लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। चलो फिर, अरे कैसी बात कर रहे हो यार। तो भाई फाइनली ले पहुंच चुके हैं, 6 तारीख की शाम को भाई हम निकल चुके थे, और आज 9 तारीख को जाके हम ले पहुंचे हैं, शाम के 6:18 हो रहे हैं। तो भाई ले हो गया, पता नहीं क्या हो गया, अब सोच के लग रहा है कि भाई इतनी दिन, 2-3 दिन हो गए, 7, 8 और आज 9 का दिन भी निकल ही गया। तो भाई 3 दिन बाद फाइनली ले, और अभी डिसाइड नहीं है कुछ कि हम यहाँ स्टे करने वाले हैं या हम पेंगोंग जाएंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम होटल में रुक रहे हैं या कैंपिंग करेंगे। तो जैसा भी होगा हम आगे जाके आपको बताते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी जो पार्टनर अपने आगे है दूसरी गाड़ी वाले, तो उनसे मिलते हैं आगे डिसाइड कर। ये लो जी वेलकम टू ले। बट भाई बिल्कुल भी देखो सामने जैसे जिस तरीके के पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं ना, उस हिसाब से बर्फ देख के यहाँ ठंड नहीं लग रही है भाई, ठंड नहीं है बिल्कुल, ठंड बिल्कुल वहाँ ज़्यादा थी, ड्रास में ज़्यादा थी। हाँ ड्रास में भाई बहुत अच्छी ठंड थी, 6 डिग्री था, 6 डिग्री रात को, तो 2-1-2 चला गया, चला गया था। चलो भाई अब डिसाइड कर लेते हैं, मिल गए। तो फाइनल हो गया है अपना, यहीं ले में स्टे कर रहे हैं हम, अपनी गाड़ी अभी इसके ब्रिज के पीछे खड़ी है दोनों, उसको अभी यहाँ लेंगे होटल में, और ये होटल हमने करा 2 रूम, और यहीं स्टे करेंगे, और कल हम परमिशन लेंगे। तो अभी आज भाई अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सोऊंगा आज, क्योंकि 2 दिन से नहीं सो पा रहा, 2-2-3-3 घंटे नींद पूरी कर रहा हूँ बस। तो रूम में मिलते हैं। तो भाई अपना रूम में तो हमें खाना मिला नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि आपको पहले ऑर्डर करना था आकर, या फिर अपना बाहर जाकर खाओ। तो अपना बाहर ये देखा है हमने, इस पर कुछ खाते हैं, और यहाँ के मोमोज बड़े टेस्टी है, लास्ट टाइम भी खाए थे बहुत टेस्टी थे 2-3 जगह, तो मोमोज खाते हैं और फिर मिलते हैं, मोमोज बताएंगे आपको कैसे है। तो भाई इसका वेट था भाइयों ने दिलवा दिया, 25 मिनट में बन के आया फ्रेश। अरे कितने सारे पीस आंटी? 20 एक में नहीं, 10 एक में 10 होंगे ना। ठीक है धन्यवाद। लास्ट टाइम भाई जब आए थे ना, तो हमने यहाँ से अपनी अपनी टी शर्टें बनवाई थी, और अपना नाम लिखवाया था सब पे, ये साथ के साथ बना देते हैं, 2-3 घंटे का टाइम लेंगे। बट यार वो टी शर्ट धुलते हैं ना सारी, छोटी हो गई हमारी, तो क्वालिटी टी शर्ट की अच्छी नहीं है, पर मस्त बना देते हैं हाथ से, कुछ भी लिखवा लो।
तो सारे तो सो गए, तो मैं बाहर आया हूँ, 12 बज रहे हैं रात के, और मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था। और एक चीज़ ज़रूरी बतानी भूल गया था कि ना ले में वो चल रहा है, आज था मतलब मंडे को इनका वो था ड्राई डे। ड्राई डे में इन्हें क्या होता है, पूरे ले में कहीं पे भी नॉन वेज नहीं मिलेगा और अल्कोहल वगैरह नहीं मिलेगा। तो भाई क्या बता रहे थे होटल वाले कि ये इसलिए होता है कि इनका कुछ है ना पूर्णिमा वगैरह होता है, और वो हर हफ्ते किसी भी दिन आ जाती है, और हर हफ्ते एक दिन ले में ना तो अल्कोहल मिलेगी आपको कहीं पे भी, और ना ही आपको नॉन वेज मिलेगा। तो बस यही बताना था, बाकी वीडियो को एंड करते हैं और आपको मिलता है कल के ब्लॉग में।